मौजूदा हिंदुस्तान में तिब्बी यूनानी के इंतज़ामी व तहकीकी इदारे के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन प्रेजेंट इंडिया। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है CCIM और CCRUM। मौजूदा हिंदुस्तान तिब्बी यूनानी के ताल्लुक से दुनिया का लीडर है। सबसे पहले हम CCIM के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। इसको उर्दू में कहते हैं मरकजी कौंसिल बराए हिंदी तरीका हाई इलाज। इसका तारुफ देखते हैं। सबसे पहले तो हिंदुस्तान जैसे वसी और अरीज़ मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत और इजाला मर्ज़ के वास्ते सिर्फ जदीद तरीका इलाज एलोपैथी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सदियों से राइज कदीम हिंदुस्तानी तरीका हाई इलाज जैसे आयुर्वेद, सीधा यूनानी और योगा वगैरह कि जिनसे हिंदी आवाम बखूबी वाकिफ़ है। यानी सिर्फ एलोपैथी से काम नहीं चल सकता, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वसी है, यानी बहुत फैला हुआ है। तो इस वजह से एलोपैथी के साथ साथ और भी जितनी भी मेडिसिन होती है, जैसे आयुर्वेदा हो गया, यूनानी, तो इनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से देखते हैं और पढ़ते हैं, ताकि इनसे भी लोगों का इलाज किया जा सके। और ये मिलजुल कर जितनी भी मेडिसिन हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, ये मिलजुल कर लोगों की तरक्की के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। तो हम देखेंगे कि 1970 में एक बिल पास हुआ जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो पास हुआ था। इसमें हुआ ये था कि जो MCI है, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसने इसको एक इख्तियार दे दिया था, इसको एक पावर दी थी, जिसके तहत 1971 में CCIM जो है बनाया गया था। अब जो काउंसिल जो ये बनकर तैयार हुई, जो CCIM इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो ये जो काउंसिल बनकर आई, इसके अरकान क्या हैं, तो हम इसमें देखेंगे काउंसिल की तश्कील कैसे हुई है, यानी इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी शेपिंग कैसे है। तो इसमें तीन कमेटियाँ होती हैं, एक कमेटी आयुर्वेद की, एक कमेटी सिद्धा की और एक कमेटी यूनानी की, जो इसकी शेपिंग करेंगे, यानी इनसे ही ये पूरा जो काउंसिल है वो बनता है। इसमें एक प्रेसिडेंट होगा, उसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट आयुर्वेद, वाइस प्रेसिडेंट सिद्धा, वाइस प्रेसिडेंट यूनानी। और सदर और जो नायब सदर है, इनकी मुद्दत जो है 5 साल तक होती है। अब इनमें जो कमेटियाँ जो देखने को हमें मिलती हैं, उसमें से एक कमेटी जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक रजिस्ट्रेशन कमेटी है, एक रेगुलेशन कमेटी और एक एजुकेशन कमेटी। यानी दो कमेटी जो है वो ई से है, यानी एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन, और दो कमेटी जो है आर से है, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन। अब हम देखने वाले हैं कि जो काउंसिल है उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, वो क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला काम है आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी से मुतालिक तालीम व तदरीस के मायार बंदी करना। यानी ये जो काउंसिल है वो ये काम करेगी कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मायार होना चाहिए कि स्टैंडर्ड और क्वालिटी क्या होना चाहिए। यानी जो एजुकेशन मिल रही है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जो भी चीज़ बनाएंगे, जो भी काम करेंगे, वो यही काउंसिल करेगी। तो किसी दरसगाह के क़याम के लिए ज़रूरी शरायत नेज़ तालीम व तदरीस के उसूल और जवाबित बयान करती है। यानी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो एक कॉलेज में अपनाए जाएंगे, उनके बारे में यही काउंसिल बताती है। और अगर उसूल और जवाबित के ख़िलाफ़ वर्जी पाई जाती है तो काउंसिल उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर देता है। यानी जो इसके ख़िलाफ़ जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन ये कैंसिल कर सकता है। दूसरा काम होता है मरकज़ी हुकूमत से देसी तिब्बों की उबूरियत तस्लीम करवाना। यानी ये कानूनी तौर पर मुआलिज अपने अपने तरीके इलाज और मुस्तकिल अदविया के ज़रिए इलाज कर सके, तो ये इंश्योर करता है कि जितने भी मुआलिज होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, वो अपने तरीके इलाज, जो आयुर्वेदा, यूनानी, जो भी डॉक्टर है, वो अपने तरीके से इलाज को कर सके, यानी उनको सपोर्ट करने का ही काम करता है। इसका एक और काम है जिसको कहते हैं मुआलिजीन का रजिस्ट्रेशन, यानी जितने भी डॉक्टर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम होगा इसका। और हम देखेंगे कि आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मौलिजीन के हुकूक व फ़राइज़ से मुतालिक उसूल और ज़ौहद बनाता है। यानी इनके जो हुकूक होंगे, इनके जो फ़राइज़ होंगे, जो काम इन डॉक्टर्स को करने होंगे, और क्या क्या इनके पास में क्या क्या चीज़ें इनको मिलने वाली हैं, तो इनके पास में क्या क्या पावर्स होंगी, इसके थ्रू भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाते हैं। अब इसके बाद हम CCRUM पढ़ने वाले हैं।
अब हम CCRUM के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। 1969 में क्या हुआ था कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जिसको हम CCRIMH के नाम से एक काउंसिल कायम हुई थी। जब रफ्तार रफ्तार CCRIMH का दायरा कार वसी हो गया तो इसकी तकसीम अमल में आ गई। 1978 में एक एक्ट पास हुआ और फिर 1979 में यूनानी में तहकीक के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन यानी CCRUM जो है वो वजूद में आया। अब इसकी गवर्निंग बॉडी कैसी होगी, तो इसमें प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, कुछ ऑफिशियल मेम्बरान होंगे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेम्बरान होंगे, जैसे 5 माहिर तिब यूनानी, 3 साइंसदा होंगे जैसे फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी के एक एक माहिर होगा, एक मॉडर्न मेडिसिन का माहिर होगा, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, डायरेक्टर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन बहैसियत मेंबर सेक्रेटरी होंगे। फाइनेंस कमेटी की अगर बात करें तो काउंसिल के मालियाती मामला जो होंगे यानी बजट वगैरह का एक फाइनेंस कमेटी मुकर्र, जिसकी तश्कील किस तरह होगी यानी इसका फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो इसमें चेयरमैन है, कुछ मेम्बरान हैं, साइंटिफिक एंड एडवाइजरी कमेटी भी इसमें होगी, 5 माहिरीन तिबी यूनानी, 3 साइंसदा फार्माकोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी का एक माहिर, एक मॉडर्न मेडिसिन का माहिर और डायरेक्टर CCRUM बहैसियत मेंबर सेक्रेटरी होंगे। अब हम देखने वाले हैं काउंसिल के दफातर यानी जो ऑफिसेज होते हैं वो काउंसिल के दफातर वो तहकीकी इदारे। सबसे पहले देखेंगे मरकजी दफातर, सदर दफ्तर जो नई दिल्ली में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन CRIUM जो है ये दो हैं, एक हैदराबाद में और एक लखनऊ में। अब है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जिसको RRIUM बोलते हैं, ये 8 हैं, नई दिल्ली में है, चेन्नई में, उड़ीसा में, पटना में, अलीगढ़ में, मुंबई में, श्रीनगर में और कोलकाता में। अब हम देखेंगे क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनानी, ये 7 हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ड्रग स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च यूनिट जो होंगे यानी ड्रग का जो स्टैंडर्ड तय करेंगे वो 4 हैं, और काउंसिल के तहकीकी प्रोग्राम यानी क्या क्या रिसर्च हमें देखने को मिल सकता है इस काउंसिल के थ्रू, तो हमें क्लिनिकल रिसर्च देखने को मिल सकता है, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च, सर्वे एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो कल्टीवेशन होता है ये हम देख सकते हैं, और रिसर्च इन फैमिली प्लानिंग में भी बहुत सारा रिसर्च होता है। काउंसिल की अहम कारगुजारियाँ यानी कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो काउंसिल ने दी हैं, बहुत से पेचीदा अमराज मसलन बर्स हो गया, वजल मुफासिल, मलेरिया, फाइलेरिया, वरम जिगर वगैरह का शाफी इलाज मुहैया किया गया है, बहुत सी अदविया मुफरदा वो मुरकबा की मायारबंदी करी गई है यानी जो मुफरदा अदविया मुफरदा है और अदविया मुरकबा जो है इनका स्टैंडर्ड तय करा गया है, कसीरे इस्तेमाल मुफीद और नादिर अदविया की काश्त भी काउंसिल के ज़रिए की जाती है यानी कल्टिवेशन में भी इसका रोल होता है, अरबी और फारसी में दस्तयाब तिब्बी कुतुब के उर्दू और अंग्रेज़ी में तराजिम किया गया है यानी उर्दू में और इंग्लिश में जो तर्जुमे होते हैं इसका भी काम ये करेगी। तो हम मिला जुला के देख सकते हैं कि बिलाशुबा तिब्बी यूनानी के तरक्की व फ़रोग के लिए काउंसिल का क़याम इस फ़न के अंदर एक नई रूह फूंकने के मुतरादिफ़ है, और चूँकि काउंसिल के तमाम तब अखराजात जो होते हैं वो हुकूमत हिंद बर्दाश्त करती है, लिहाजा काउंसिल के क़याम और इसकी सरगर्मियों से हासिल तिब्बी यूनानी की तरक्की व फ़रोग के लिए हुकूमत हिंद मुबारकबाद की मुस्तहक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बाब 4 यानी तिब्बी अखलाकियात, जिसको मेडिकल एथिक्स कहते हैं। अगर तिब से अखलाकियात का जुज़ जुदा कर दिया जाए तो ये फ़न फन शरीफ ना रहकर एक कारोबार में तब्दील हो जाएगा यानी
मेनली एक कारोबार बन के रह जाएगा। इसकी नोबिलिटी जो है इसी वजह से ये फ़न शरीफ का दर्जा रखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है। तारीख़ में जितने भी मुमताज़ अतिबा गुजरे हैं वो सब के सब बेहतरीन अखलाक व किरदार का नमूना थे और आज भी एक तबीब पर तिब्बी अखलाकियात का इतलाक़ लाजमी है। यानी आज भी जो है डॉक्टर की अखलाकियात बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके मेडिकल एथिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, वरना डॉक्टरी सिर्फ एक कारोबार बन के रह जाएगी। अब हम देखने वाले हैं फ़ने तिब की अजमत व शराफ़त। जिस इंसान के पास जिस क़दर और जिस मायार का इल्म होता है वो उसी मुनासिबत से अजमत व शराफ़त के मदारिज तय करता है और इल्म की अजमत से उसको एक अजीम इंसान बना देती है। इल्म दीन के बाद इल्म तिब का दर्जा है। ये हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इमाम गज़ाली का मशहूर मकूला है, यानी इमाम गज़ाली का जो कोट है वो कहते हैं कि इल्म दो हैं, इल्म दीन और इल्म बदन। यानी सिर्फ दो ही तरह के इल्म हैं, एक है इल्म दीन और एक है इल्म बदन। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इल्म दीन के जस्ट बाद जो है इल्म तिब का दर्जा आता है। अबू सहल मसीही तिब से मुतालिक कहता है कि मुझे तमाम उलूम में इल्म तिब के लिए इल्म तिब इसलिए पसंद है क्योंकि ये इंसानी सेहत की हिफाजत, इजाला अमराज और बकाए नौ से ताल्लुक़ रखता है और ख़िदमत खल्क से बेहतर कोई दूसरी इबादत नहीं है। मुआयदा बुकरातिया यानी हिपोक्रेटिक ओथ। मुआयदा बुकरातिया जिसको अहदनामा बुकरात या फिर हल्फनामा बुकरात भी कहते हैं, बुकरात और फ़न तिब के ताल्लुक से इंतहाई अहम और मशहूर चीज़ है। यह एक अहदनामा है जिसको बुकरात ने खुद तश्कील किया था, इसलिए इसके नाम से मंसूब इस अहदनामा में कुछ ऐसी बातें हैं जो तिब्बी अखलाकियात यानी मेडिकल एथिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। अब ये जो मुआयदा, इसका गर्ज़ो गायत क्या है, यानी इसका पर्पज़ क्या है, बुकरात को इस अहदनामे के तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्वेश्चन ये आता है कि बुकरात को ये अहदनामा क्यों बनाना पड़ा। तो इसके पास मंजर ये है कि कदीम यूनानियों के अकीदे के मुताबिक इनके मुकद्दस देवता अस्कलिबूस को इल्म तिब बज़रिए इल्हाम अता किया गया था, फिर ये इल्म बतौर विरासत अस्कलिबूस के आइंदा नस्लों में मुंतकिल होता रहा। यानी लोगों का मानना है कि अकीदा ये है, लोगों का ये मानना है कि अस्कलिबूस को इल्हाम के थ्रू मिला था और उसके बाद ये इनकी पूरी नस्लों में आगे ट्रांसफ़र होता रहा। जब बुकरात अस्कलिबूस की 16वीं पुश्त यानी 16 जनरेशन में पैदा हुआ तो उसके ज़माने तक अस्कलिबूस ख़ानदान के कुछ ही लोग बचे थे जिनके पास इल्म तिब मौजूद था। बुकरात ने यह कैफियत देखकर मुनासिब समझा कि तिब की बका के लिए यानी तिब को बाकी रखने के लिए और फरोग के लिए ज़रूरी है कि इल्म तिब को एक ख़ानदान से निकालकर दूसरे लोगों तक भी पहुँचाया जाए क्योंकि यह एक नेक और शरीफ फ़न है और नेकी हर शख्स से करना लाजिम है, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो या गैर। चुनांचा बुकरात ने यह फ़न शरीफ दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने के लिए अपने ख़ानदान के अलावा गैरों को भी अपना शागिर्द बनाना और इनको तिब की तालीम देना शुरू कर दिया था। मगर इस नेक नेक काम में बुकरात को ये ख़दशा भी लाहक हुआ कि हो सकता है कि कोई शख्स इस मुकद्दस इल्म को करने के बाद ना अहल साबित हो और उस फ़न का हक अदा ना कर पाए तो अपने फ़न में कोताही करे जिससे फ़न दागदार हो। इस सूरत हाल से बचने के लिए बुकरात ने एक अहम अहदनामा तैयार किया। अब हम पढ़ने वाले हैं मुआयदा बुकरातिया के मतन का उर्दू तर्जुमा यानी उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ। जो हिपोक्रेटिक ओथ है हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। तो वो ये है कि मैं कसम खाता हूँ उस रब की जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, सेहत का अता करने वाला है, शिफा का खालिक और इलाज का पैदा करने वाला है। मैं कसम खाता हूँ अस्कलिबूस की और तमाम देवी देवताओं की, हल्फ लेता हूँ कि अपने अहद को पूरा करूँगा। मैं अहद करता हूँ कि अपने उस्ताद को जिसने मुझे उस सनात यानी इस स्किल की तालीम दी है, बमंजिले अपने वालिद के मानूंगा, उसकी खिदमत करूंगा, माश में उसका हिस्सा होगा, असाज़ा की औलाद भाई के मसल होगी और वो इस फ़न की ज़रूरत महसूस करेंगे तो बग़ैर उजरत उनको तिब की तालीम दूंगा।
मरीज़ों का फ़ायदा मेरा फ़र्ज़ अवलीन होगा। मुझे रशिया के इस्तेमाल से इनको मना करूँगा। मौलिक दवा किसी को ना दूँगा, यानी ऐसी दवा नहीं दूँगा जिससे खुदकुशी कोई करे या फिर मौत हो किसी की। चाहे कोई इसरार ही क्यों ना करे और ना किसी को मौलिक दवा के बारे में बताऊँगा। औरतों का इस काते हमल अदविया हरगिज़ ना दूँगा, यानी एबॉर्शन वाले जो ड्रग्स होते हैं। मैं अपने पेशे में पाक दामन रहूँगा। अगर मरीज़ की मसाने में ब्लैडर में पथरी होगी तो जराहत खुद ना करूँगा बल्कि मरीज़ को माहिर सर्जन के पास में भेज दूँगा। मरीजों के राज फाश नहीं करूँगा। जहाँ भी जाऊँगा मरीज़ों की भलाई के लिए काम करूँगा। बुकरात का यह अहदनामा तिब्बी अखलाकियात की बेहतरीन मिसाल है और एक दस्तावेज़ है जो आज भी मुख्तलिफ तिब्बी दर्जगाहों में पत्थर पर कनिंदा है और इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मुतालिमीन तिब के औसाफ़ और अतिबा के फ़राइज़, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स क्या हैं और ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियंस क्या हैं। ज़माने कदीम से इल्म तिब को मुकद्दस और फ़न शरीफ की हैसियत से जाना जाता है। एक तबीब की सिफात और फ़राइज़ से मुतालिक सबसे ज़्यादा उम्दा तालीमात अहादीस पाक में नज़र आती हैं। मसलन एक हदीस शरीफ है कि जब किसी ने मतलब किया कि वो इल्म तिब से उससे पहले मुस्तरद ना था और उससे किसी को तकलीफ़ हुई या उससे भी कम, तो वो अपने फेल का ज़िम्मेदार खुद होगा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला जिस्मानी औसाफ़ यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। बालिग होना चाहिए, जवान हो, तंदुरुस्त हो, दरमियानी कद और जितने भी आज़ा ऑर्गन्स हैं वो मुनासिब हों। बाल परेशान ना हो बल्कि साफ़ और सुथरे हों। नाखून बड़े ना हो। चाल में सलीका होना चाहिए। लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए, सफ़ेद हो तो बेहतर हो। अब हम नफसानी औसाफ़ देखते हैं। ज़हीन होना चाहिए, मुशाहिद होना चाहिए, यानी रिसर्च में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। रूहानी औसाफ़ दीनदार और ईमानदार, नेक और शरीफ होना चाहिए। और अखलाकी औसाफ़ अगर देखें तो मिलनसार होना चाहिए, बुज़ुर्गों का एहतराम करें और छोटों से मोहब्बत करता हो। अब कुछ और औसाफ हम देखेंगे। अगर रात में भी उसको तलब किया जाए तो वो काहली ना करे। अपने आला तबाबत को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। बग़ैर शदीद ज़रूरत के महंगी दवा हरगिज़ ना दे, यानी अगर सस्ती दवा मौजूद है जिससे इलाज हो सकता है तो सस्ती दवा से इलाज कर दे। अगर ज़रूरी पड़े तभी जाके महंगी दवा को वो प्रिस्क्राइब करे। मुज़िर या फिर समी दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करे। औरतों के इलाज और मुआयना के दरमियान उनकी हुरमत का ख्याल रखे। बेहतर है कि औरतों के मुआयने में नर्स की मदद ले। बग़ैर किसी पेचीदगी के इस काते हमल यानी एबॉर्शन का मशवरा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नाउ एथिकल कोड फॉर द फिजिशियंस एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द CCIM। फ़न तिब के अवलिन गर्ज़ो गायत यानी जो मेन पर्पज़ है उसमें ह्यूमैनिटी की खिदमत करना है, इंसानियत की खिदमत करना है। अब मरीज़ों के लिए तबीब के कौन कौन से फ़राइज़ हैं इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हो, एमरजेंसी के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए और अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरीके से अंजाम दे। कभी भी एमरजेंसी आ सकती है तो हमेशा रेडी रहे। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत यकसा खिदमात अंजाम दे, यानी लोगों में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि मज़हब के हिसाब से या फिर नौ जिन्स के हिसाब से, काले गोरे के हिसाब से। कभी भी डिफरेंशिएट करके किसी का इलाज नहीं करना, सबको एक तरीके से ही इलाज देना चाहिए। गौर व फिक्र के साथ मरीज़ का मुआयना करें। मरीज़ की बीमारी को बतौर राज अपने तक ही महदूद रखें। तो अगर किसी का राज हो तो उसका राज फाश नहीं करना है। तबीब को चाहिए कि वो मरीज़ की हालत का सही अंदाज़ा लगाए, फिर मर्ज़ की नौयत के मुताबिक अपनी सलाहियत को जांचे और मर्ज़ काबिल इलाज हो तो इलाज शुरू करे। फिर भी मरीज़ के रिश्तेदारों को मरीज़ की हालत से आगाह कर दे। तबीब को यह जेब नहीं देता कि इलाज में किसी किस्म की लापरवाही हो या इलाज को बीच में छोड़कर राह फरार इख्तियार कर ले।
एक अच्छे तबीब के फ़रज़ में ये भी शामिल है कि वो समाजी सेहत की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ख़ास तौर से अगर मुतादी और वबाई अमराज की रोकथाम में हर तबीब का यह फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत की मदद करे। अगर कोई वबा फैल ही जाए तब तबीब को दिल और जान से मरीजों के इलाज में लग जाना चाहिए।